कई सदियों के बाद आज 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या में विराजे हैं। जिस समय राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के खरगोन में कुंदा नदी के तट पर 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार और 31 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर त्रेता युगीन महल नुमा मंदिर में विराज रहे हैं। इस खुशी में पूरा देश उत्सव मना रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में खरगोन एवं आसपास के क्षेत्रों से 100 विद्वान पंडितों ने करीब 3 घंटे में 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया है। बता दें कि यह आयोजन सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश रत्न पार के द्वारा प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में किया गया है। प्रातः 9:30 बजे सभी पंडितों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। आयोजन में छोटे पंडित और बालिकाओं ने भी शामिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आयोजक प्रकाश रत्न पारकी ने कहा कि खरगोन शहर ही नहीं पूरा देश राममय हो चुका है। यह विशेष आयोजन भी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ही किया गया है। 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ एक स्थान पर पूर्ण हो रहा है। पाठ संपन्न होने के पश्चात महाआरती और महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। कुंदा नदी के तट पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में ये विशेष आयोजन जो है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके उपलक्ष्य में यह हो रहा है। 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ खरगोन के आसपास के महापंडितों द्वारा किए जाएंगे। आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। वैसे तो पूरा खरगोन शहर ने पूरा देश राममय हो गया है, पर यह विशेष आयोजन ये एक अनुष्ठान होता है और हनुमान चालीसा के माध्यम से शक्ति का संचार हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे जिले में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर का मुक्ति आंदोलन जब चला था तो 1984 से लेकर के तो आज तक की जो लीला रही है उसमें पूरे देश भर में हमारा खरगोन जिला बहुत अग्रणीय होकर के रहा है। लोकल लैटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।